आज वाराणसी मेरा दूसरा दिन है और आज गंगा घाट पर जा रहे हैं हम स्नान करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी में जो स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव की कृपा होती है उस पर। गंगा स्नान के लिए दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं और 20 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से ऑटो वाला चार्ज करेंगे। दशाश्वमेध घाट गोदोलिया चौराहे से करीब 500 मीटर दूर है। गोदोलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट पैदल जाना पड़ेगा। भगवान शिव के वाहन नंदी बाबा की मूर्ति। मंदिर के पास बटर मसाला डोसा बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दशाश्वमेध घाट जाने से पहले प्राचीन बृहस्पति मंदिर के दर्शन करते हैं। यह मंदिर कई सदियों पहले बनाया गया था। खुद भगवान शिव ने गुरु बृहस्पति को यहां स्थान दिया था। माना जाता है गुरु बृहस्पति इस मंदिर में साक्षात विराजमान है। गुरु बृहस्पति की गुरुवार को पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु बृहस्पति को पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। गुरु बृहस्पति की कृपा से वैवाहिक सुख, संतान सुख व मान सम्मान धन की प्राप्ति होती है। गुरु बृहस्पति के इस मंदिर का स्थान काशी के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा माना जाता है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सुप्रसिद्ध स्थान है। शिव रहस्य के अनुसार यहाँ पहले रुद्र सरोवर था। यहीं पर प्रयागेश्वर का मंदिर है। गंगा माता के दर्शन करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। रात में करीब 7 बजे इसी घाट पर भव्य गंगा आरती होती है। दशाश्वमेध घाट सबसे इम्पोर्टेंट घाट है वाराणसी में। इस घाट का नाम दशाश्वमेध है। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया है, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा है। यहाँ पे जो भी कुछ किया जाए, धार्मिक काम, पूजा पाठ कुछ भी, वो 10 गुना प्राप्त होता है। अगर किसी को 1 रुपया आप दान देते हैं, वो 10 रुपये के बराबर होता है। दशाश्वमेध का यही महत्व होता है। कोई भी कार्य करेंगे तो यहाँ 10 गुना फल मिलता है उसका।
ये काशी का सबसे मेन और सबसे प्रधान घाट है। इसके नीचे काशी में हर घाट है। ₹40 पर पर्सन के हिसाब से हमसे बोट वाले ने लिया है, हमको दूसरे घाट पे छोड़ेगा जो सामने है और वहाँ गंगा स्नान करके फिर वापस आएंगे, तो इसमें जाना आना दोनों ₹40 में कर रहे हैं। इस पार से उस पार हमें ले जा रहे हैं विनोद मांझी, इनके हाथ में हमारी डोर है। विनोद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे वाराणसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वाराणसी में 84 घाट है, अधिकांश घाट स्नान और पूजा के लिए है। वह दो घाट मणिकर्णिका व हरिश्चंद्र घाट शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सभी घाटों का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, अतः सूर्य की पहली किरण घाटों पर दस्तक देती है। वह सूर्योदय का नजारा बहुत ही सुंदर होता है। वाराणसी के घाट 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। घाट गंगा जी के धनुष की आकृति होने के कारण मनोहारी लगते हैं। चौरासी घाट सबसे ज्यादा फेमस है, उसमें 5-6 घाट ऐसे हैं जिनमें कर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, तुलसी घाट, दशाश्वमेघ घाट और भी कई घाट हैं। सभी घाटों में 5 घाटों को बहुत पवित्र माना गया है, इन्हें पंच तीर्थ कहा जाता है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट व मणिकर्णिका घाट। वाराणसी के घाटों के संरक्षकों में मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा परिवार रहे हैं। वापिस दशाश्वमेध घाट चलते हैं, वे घाटों पर स्थित प्राचीन मंदिरों के दर्शन करते हैं।
प्रयाग मंदिर है प्रयाग घाट पर। ये शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है दशाश्वमेध घाट पर, तो इसके दर्शन जरूर करें। शीतला माता मंदिर के साथ साथ यहाँ पर शारदा माता का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, बंदी देवी आदि मंदिर भी स्थित है। शीतला माता माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। शीतला सप्तमी व शीतलाष्टमी का व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। बंदी देवी को ताला व चाबी चढ़ाने से सभी कोर्ट केस से आजादी मिलती है। बंदी माता को पाताल देवी भी कहा जाता है। जब अहिरावण ने भगवान राम व लक्ष्मण जी का अपहरण किया था, तब बंदी देवी की सहायता से उनको मुक्त कराया गया था।